गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? ओके, आपने टुडेज हॉलीडेज एंजॉय की होंगी, आपके एग्जाम्स फिनिश हो चुके थे. नाउ फ्रॉम टुडे विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज लेसन 13, पेरीमीटर एंड एरिया, द माइंड मैप. टुडे वी विल डिस्कस द माइंड मैप ऑफ दिस चैप्टर. दिस You see this diagram? This is the mind map. Now, here is perimeter. What is perimeter? The boundary of the given figure. That is the perimeter. किसी भी shape के, जैसे suppose ये shape दिया है आपको, इसका perimeter find out करना है, तो कैसे find out करेंगे? इन सब curves measurement given होगा, उन सबको क्या कर देंगे? Plus कर. तो द सम ऑफ द बाउंड्री ऑफ द गिवन फिगर, दैट इज द पैरामीटर. नाउ द पैरामीटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज द पैरामीटर ऑफ इरेगुलर शेप्स एंड पैरामीटर ऑफ रेगुलर शेप्स. द इरेगुलर शेप्स मीन्स दैट इज द बैंगल, लीव्स, दीज आर ऑल अबाउट द इरेगुलर शेप्स. इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं है. नाउ कम्स टू पैरामीटर ऑफ रेगुलर शेप, that is first divide perimeter of a triangle, then perimeter of a square, then perimeter of a rectangle. Comes to perimeter of a triangle, that is sum of the lengths of three sides. You know about the triangle, triangle के बारे में आपको पता है, इसमें कितनी sides होती है बच्चों? Three sides होती है. That is all these three sides. If we add these three sides, That is the perimeter. किसी भी ट्रायंगल की अगर हम तीनों साइड्स को सम कर देंगे तो हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा? पेरीमीटर. द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ थ्री साइड्स. तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ कम्स टू पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब इक्विलेटरल, यू नो अबाउट द इक्विलेटरल, that is in our all three sides are equal. In a triangle all the three sides are equal. Suppose ये आपका triangle है, इसमें ये side 2 cm है, this side is also 2 cm and this side also 2 cm, means all the three sides are equal, that is called the equilateral triangle. So equilateral, equi means all sides are equal, then 3 multiplied by sides. Now how you will find out the perimeter? This is the formula, 3 multiplied by side. Because all the sides are equal, so we multiply by 3. If one side is given, how you find out? Suppose here 2 cm is given, one side is given, and we know the equilateral triangle. Equilateral means all the three sides are equal, so we use this formula, 3 multiplied by 2 cm, that is 6 cm, and the perimeter of an equilateral triangle is 6 cm. So hamara equilateral triangle ka perimeter kya aa jayega? That is 6 cm. So you know how we will find out the perimeter of an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे और सिंपल ट्रायंगल का पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन सिंपल ट्रायंगल वी विल फाइंड आउट द पैरामीटर, दैट इज सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द थ्री साइड्स. कोई भी ये तीनों साइड्स हमें गिवन है, इन तीनों को प्लस कर देंगे एंड वी विल फाइंड आउट द पैरामीटर. एंड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ वन साइड इज गिवन, देन वी मल्टीप्लाई बाय 3 एंड वी फाइंड आउट द सम ऑफ द we find out the perimeter of an equilateral triangle. Now comes to the perimeter of a square. You know about the square. In square all 4 sides are equal. Square mein how many sides are there? That is the 4. 1, 2, 3, and 4. And all sides are equal. हमें पता है, हमने पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, दैट इन स्क्वायर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और चारों ही साइड इसकी इक्वल होती है. तो सर, हाउ वी विल फाइंड आउट द पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? द पैरामीटर ऑफ
स्क्वायर फाइंड आउट करने का वी कैन यूज दिस फॉर्मूला दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय साई. हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों. इसमें सपोज वन साइड इज गिवन दैट इज 3 सेंटीमीटर एंड आस्क दैट फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप क्या करेंगे, 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से. दैट इज 12 सेंटीमीटर इज योर आंसर. तो हाउ यू विल फाइंड आउट द पेरीमीटर, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. और अगर आपको बच्चों कभी यू फॉरगेट दिस फॉर्मूला, सपोज इफ यू फॉरगेट दिस फॉर्मूला, देन हाउ यू विल फाइंड आउट द perimeter of a square. Suppose here given 3 centimeter. And how you will find out? अगर आप ये formula भूल गए हैं और आप कैसे find out करेंगे? You know the perimeter means the sum of the boundary of the given figure. 3 centimeter given है और square में हमें पता है all the sides are equal. So 3 centimeter. Here also you write 3 centimeter, 3 centimeter and 3 centimeter. Now you add all the sides. 3 plus 3, 6, 6 plus 3, 9, 9 plus 3, 12, that is 12 centimeter. तो हम इस प्रोसेस से भी फाइंड आउट करते हैं, पर हमने इसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया है ताकि इजीली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर. हम इजीली से फाइंड आउट कर लें, क्योंकि हम अगर यहाँ पे सपोज लॉन्ग मेजरमेंट दिए जैसे 12 सेंटीमीटर, 14 या 25 सेंटीमीटर, तो हमें इतना ऐड करना पड़ेगा. तो ऐड करने के बजाय हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी गेट इट अवर आंसर. इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे. नाउ क्लियर द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. नाउ कम्स टू अ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, यू नो अबाउट द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल मीन्स अपोजिट साइड सर. ये आपका रेक्टेंगल का फिगर है, इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, दैट इज द रेक्टेंगल. तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, अब इसका हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ मीन्स लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है. हमने इन दोनों को प्लस किया और किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से. Then we will find out the perimeter of a rectangle. Suppose आपको ये formula आप भूल गए हैं, आपको याद नहीं रह रहा है, तो आपको जैसे दी दिया है length दी हुई है आपकी 3 सेंटीमीटर, breadth दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर. And you know about the property of a rectangle that opposite sides are equal. इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये वाली, और इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये वाली. तो ये 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर. तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल. नाउ वी एड ऑल द साइड्स. अब हम इन सब साइड्स को प्लस कर देंगे, दैट इज 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10 सेंटीमीटर. तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, 10 सेंटीमीटर. और अगर हम इस फॉर्मूले भी यूज करें तो लेंथ हमको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और हमने इनको प्लस कर दिया तो हमारा आया 5 सेंटीमीटर, और 2 5 सा 10 सेंटीमीटर. बोथ द आंसर इज सेम. हम कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. हमें फॉर्मूले से इजी रहता है, इसलिए हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल. सो यू लर्न ऑल दिस फॉर्मूला. नाउ गॉट इट, दिस इज ऑल अबाउट द माइंड मैप. नाउ वी कंटिन्यू, दैट इज द एरिया. अभी हमने पेरीमीटर के बारे में बताया था. नाउ जस्ट कम्स टू अबाउट द एरिया, दिस इज ऑल्सो द माइंड मैप. नाउ एरिया ऑफ ए रेगुलर फिगर्स, रेगुलर फिगर्स का एरिया हाउ वी विल फाइंड आउट, दैट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल. दैट इज 2 फिगर्स हियर, दैट इज द रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर, एंड वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस शेप, दैट इज एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर. तो हाउ वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. हम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेथ.
breadth. When we will find out the area of a rectangle, then which formula we use? That is the length multiplied by breadth. And the area of a square. How we will find out the area of a square? The area of a square is side multiplied by side. That is here S. S is used for side. That is the full form is side. And side multiplied by side. एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे दैट इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड हियर एंड हियर द यूनिट इज यूनिट स्क्वायर इनकी यूनिट क्या होगी दैट इज द यूनिट स्क्वायर सपोज मीटर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट क्लियर और वी कैन से स्क्वायर Here also the same, if meter comes, then meter square and if centimeter unit is given, then we use centimeter square. Otherwise, that is the unit square or square unit meters. This may be given as, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? That is the square unit comes. Now clear, understand, all of you. That is all about the mind map of perimeter and area.